नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वाइंस है जो कि मार्केट में काफी अच्छा कर सकते हैं, बट फिलहाल उससे पहले अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो मार्केट का हाल पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, देखिए अभी भी मार्केट में देखिए बिटकॉइन पे एक झलक देते हैं, तो बिटकॉइन में अभी सीपीआई का डाटा आया था ना, तो आज सीपीआई का डाटा आया था जो कि पॉजिटिव आया और इसका इम्पैक्ट जो है वो बिटकॉइन पर डायरेक्ट पड़ा। देखिए सीपीआई का डाटा जो है, बट हाँ परसों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है एफओएमसी का जो है ना, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि एफओएमसी का जो है रेट क्या होता है, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस और फोरकास्ट जो है बिल्कुल सेम है, तो एक्चुअल में डाटा क्या आता है उस पर डिपेंड करता है मार्केट का यहाँ पर रुख ऊपर जाता है या नीचे जाता है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन को नोटिस करते हैं, देखिए बिटकॉइन को अभी फिलहाल 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक ना। देखिए कहता है मार्केट में कुछ हलचल ऊपर और नीचे हुए हैं, बट डेफिनेटली बात है कि जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था तो कुछ ना कुछ करेक्शन तो बनता था, तो यहाँ पर कुछ करेक्शन मार्केट में लिया है। चलिए आगे मेरे ख्याल से अभी भी और भी थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकता है ना, यहाँ पर चल रहा है, बट बिटकॉइन काफी पॉजिटिव है। कुछ हलचल जो है बहुत ही भयंकर वाले आने वाले नए साल में आपको बहुत भयंकर भयंकर हलचल जो है वो दिख सकते हैं। स्पेशली अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो देखिए पहले बात की इलेक्शन है, उसके बाद से ETF, इलेक्शन, ETF और हालविंग, तीन बड़े बड़े न्यूज जो है अगले साल धमाकेदार आने वाले हैं। तो यूएस का इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर, तो निम्नलिखित बात ये तीनों ही हलचल करेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं कॉइन मार्केट कैप पर और कॉइन गिक को पर देखते हैं। देखिए अगर आप एक और चीज नोटिस करते हैं, देखिए तो दोस्तों अभी मार्केट में स्पेशली पंप कौन कर रहा है भाई, इससे पहले अगर आप नोटिस करते हैं तो बंक किया। बंक कौन है भाई, बंक एक मीम टोकन है जो कि पीपी को भी पीछे छोड़ दिया है ना, बंक एक मीम टोकन है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं Layer 1 ब्लॉकचेन का टोकन को, Layer 1 का ब्लॉकचेन का टोकन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्पेशली नोटिस करते हैं चाहे बिटकॉइन को देखिए, नंबर 1 $16,000 से $44,000 जो कि काफी ज्यादा लगभग 3 गुना तक का यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया। कहने का मतलब है कि बिटकॉइन इथेरियम यहाँ पर किया। आगे नोटिस करते हैं तो सोलाना को देखिए, मतलब जो लोग भी सोलाना और एवलेंस जो कि दोनों को मैंने रिकमेंड किया था, एवलेंस तो अभी रुका हुआ था, बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं एवलेंस को आज देखिएगा पिछले 7 दिन में 77% से आप है। जो टोकन $9 पे था आज लगभग $40 पे चल रहा था, अभी फिलहाल मार्केट देखिए यहाँ पर थोड़ा डाउन है जिसकी वजह से $38 के आसपास दिख रहा है ना, तो अभी भी एवलांच है। इसके आगे देखते हैं कि Layer 1 में कौन कौन सा टोकन पंप नहीं किया है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए Polkadot पंप नहीं किया था, बट जो बड़े बड़े वेल्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इसी का इंतजार कर रहे थे भाई कौन कौन सा पंप नहीं किया है Layer 1 में, उसमें वो लोग पैसा डाल रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं तो इसका देखिए तो ये गया, पहले कार्डानो भी अच्छा खासा पंप कर दिया, सोलाना भी कर चुका है, सोलाना कार्डानो और एवलेंस। अब भाई बारी किसकी आ रही है, Polkadot ऑलरेडी करने स्टार्ट कर चुका है। अभी भी आप यहाँ पर नोटिस करें, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें 9 कॉइन के बारे में बताया था, इसमें लगभग सारे Layer 1 के, चाहे कार्डानो को मैंने बताया था, एवलेंस को बताया था, Polkadot को बताया हो, या आगे भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी अगर फिलहाल नोटिस करते हैं उसको छोड़िए, अभी फिलहाल नोटिस करते हैं इस बार अभी भी आपको वो बड़ा वाला पंप नहीं दिखा है जो कि Layer 1 का है। इन फ्यूचर इसमें भी एक बेहतरीन सा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, तो आप इस बार को भी नोटिस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट आपको मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये नहीं किए हुए हैं, बट डेफिनेटली दिस है मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, तो भाई Layer 1 में आगे फैंटम को भी नोटिस कर सकते हैं। फैंटम और अल्गो को भी मैंने लास्ट वीडियो में दोनों को ही प्रीफर किया था, बट दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके पंप किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब से देखिए तो इनमें पंप मिला है। अभी फिलहाल अगर आप एक और चीज नोटिस करते हैं तो मेरा जो थंबनेल था वो यही था, इस वीडियो में मैं आपको 2 टोकन बता रहा हूँ, तो 2 टोकन बता रहा हूँ ये हाईली रिस्की हो सकते हैं, बट ये आगे चल के जेम भी निकल सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, जो मार्केट में है सिर्फ मैं उसी को इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला टोकन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है गोरिल्ला टोकन की मीम टोकन का दौर चल रहा है। देखिए डोज टोकन में आप देखिए तो फ्लकी इनो एक डोज मतलब डॉग है, शिबा इनो डॉग है, डोज टोकन खुद ही डॉग पे मतलब ये सारे मीम है, वहां पर कहीं ना कहीं गोरिल्ला टोकन आज काफी ज्यादा ट्रेंड करता हुआ आपको दिखेगा। आप कहीं भी कॉइन मार्केट कैप पर भी देंगे तो वहां पर भी आज का अगर वॉल्यूम देखते हैं मार्केट तो उतना ज्यादा पंप नहीं किया, बट आज का वॉल्यूम देखिए तो 217% से आज मार्केट में फंड जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो आज मैं टुडे कर लेता हूं, आज अगर सिर्फ देखते हैं तो मात्र 23% से मार्केट जो है गोरिल्ला का अप है ना, तो इसमें भी एक जो है कहीं ना कहीं हाई चल रहा है मार्केट में, तो ये शेयर किया, बट अभी कोई बेहतरीन समय नहीं चल रहा है लेने का, क्योंकि अगर आप लास्ट मंथ में भी देखते हैं तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर गया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं आया ये दोनों ही टोकन जो मैं बता रहा हूँ ऑल में है ना,
तो अभी फिलहाल देखिए तो प्राइस यहाँ से करता करता जो लोग पहले से इंटर किए होंगे उसको अच्छा खासा मिल गया, बट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कुछ भी अच्छा से इसमें डंपिंग मिलता है तो डेफिनेटली बात है एक अच्छा पोजीशन, छोटा मोटा आप अपने खुद का रिसर्च से आप इसको ले सकते हैं, ठीक ना। फिलहाल इसका सप्लाई को देखते हैं तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई को और सप्लाई को, ठीक ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कम है इसका, मतलब अदर मीम को देखते हैं उसके कंपेयर में। इसके अलावा गोरिल्ला टोकन ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन का है, बट देखिए बंक जो था वो सोलाना पर था, ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो चीन हुआ हुआ को अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो देखिए हुआ हुआ में भी अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं ये भी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। बंक अभी सोलाना पर था, इससे पहले इथेरियम का काफी क्रेज चला और फिलहाल अगर यहाँ पे देखते हैं सोलाना पे चला कौन सा भाई बंक, अभी फिलहाल इसको देखते हैं तो कॉस्मोस का ये वाला नीम टोकन बना हुआ है कॉस्मोस ब्लॉकचेन पे हुआ हुआ, ये भी काफी प्रचलित अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। फिलहाल देखिए तो आज 52% से आपके है, तो आज तो बिल्कुल भी दोनों में ना डालिए क्योंकि दोनों ही आज मार्केट में थोड़ा ऊपर है, मार्केट में ट्रेंडिंग में है, बट हाँ मेरे ख्याल से इसमें आपको डीप मिलता है तो थोड़ा बहुत अपने खुद का रिसर्च करके खुद के प्लानिंग के साथ आप सोच सकते हैं कि इसमें लगाएं या नहीं लगाएं ना। फिलहाल एफओएमसी का स्टेटमेंट का पे भी आपका मार्केट पंप या डंप कर सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा कि भाई ये रिजल्ट क्या आता है, मतलब जो स्टेटमेंट आता है वो कितना परसेंट का रेट हाइक करता है या तो रेट गिराता है। अब बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब।